हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दावी जेड अकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार, जानदार और आपके काम की वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अकाउंटेंसी, यानी कि पेपर कोड है आपका 224, शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, और इस टीएमए को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जी हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक अपना टीएमए तैयार नहीं किया है तो वो बच्चे इस वीडियो को देखकर अपना टीएमए तैयार कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी है 31 जुलाई सन 2019, और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देना है अक्टूबर सन 2019 के अंदर, उन बच्चों को 31 जुलाई सन 2019 से पहले अपना टीएमए बनाकर अपने अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा देना है। ये आपका सन 2018 से 19 वाले सत्र के लिए है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देना था अप्रैल सन 2019 के अंदर, उन बच्चों ने भी यही टीएमए बनाया है। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देना है अक्टूबर सन 2019 के अंदर, उन बच्चों को भी यही टीएमए तैयार करना है। इस टीएमए के अंदर मैंने क्वेश्चंस तथा आंसर दोनों दिए हैं, ताकि आप अपने वाले असाइनमेंट के साथ इसे मैच कर लें और देख लें कि यही टीएमए आप लोगों को भी सॉल्व करना है या कोई दूसरा आपका टीएमए है। वैसे ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी सभी के लिए एनआईएस ओपन एक ही टीएमए तैयार करता है, एक बार साल में, अप्रैल वालों के लिए और अक्टूबर वालों के लिए। लेकिन फिर भी आप जो है एक बार चेक कर लेंगे। और मैंने सभी विषयों पर टीएमए तैयार कर रखा है, तो इसलिए आपको दूसरे किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने सभी विषयों पर बड़े आसान शब्दों में इजीली और पीडीएफ के साथ जो है मैंने टीएमए तैयार किया है। तो आप लोगों को टीएमए तैयार करते समय कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक बात और जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आपको टीएमए के साथ साथ प्रैक्टिकल फाइल भी मिल जाएगी सॉल्व, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी, तो वो भी आपको हमने दे दिया है और टीएमए भी दे रखा है। और इसके साथ साथ आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए उसके लिए हमने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं, सैम्पल पेपर्स भी दिए हैं, यानी कि आप लोगों को सभी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाने वाली हैं। तो फटाफट आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आपने बेल आइकन दबा रखा है या नहीं। और जब आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, टीएमए तैयार कर लें, तो उसे अच्छे से डेकोरेट करने के बाद आप एक फी असाइनमेंट रिसिप्ट एक होती है, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपने अपने स्टडी सेंटर में टीएमए जमा करवाया है या नहीं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है टीएमए रिसिप्ट। तो वो ज़रूर आप अपने स्टडी सेंटर वालों से ले लें, क्योंकि बाद में अगर आपने बिना किसी प्रूफ के अपना टीएमए दे दिया तो आप फिर परेशान होंगे अगर उसके नंबर आपके मार्कशीट में नहीं चढ़े। तो प्लीज़ टीएमए रिसिप्ट भरकर उसके ऊपर अपने टीचर्स के साइन करवाकर, स्टंप लगवाकर अपने पास एज ए प्रूफ रख लें। और अगर आपका स्टडी सेंटर का कोई टीचर आपसे ये कहता है कि मुझे 500 हज़ार रुपये दे दो और उसके बाद हम आपके टीएमए के नंबर अच्छे लगवा देंगे, तो भी आप लोगों को ये काम नहीं करना है। ईमानदारी से ये काम कीजिए। मैंने आपको पूरा टीएमए सॉल्व करके दिया है, क्योंकि वो सिर्फ आप लोगों से पैसे ले लेंगे और टीएमए के नंबर उतने ही देंगे जितने आपको मिलने हैं, यानी कि 14-15 से नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कुल जो मार्क्स होते हैं इसके 20 नंबर का होता है, और 14-15 नंबर आपको इजीली बिना पैसे दिए ही मिल जाते हैं सन 2018 से 19 वाले बच्चों के लिए। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को आपके मतलब की चीज़ दे देता हूँ। तो प्लीज़ लेकिन एक काम ज़रूर कर देना, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो तैयार की है, लाइक बटन ज़रूर देना, क्योंकि ऐसा करने के बाद आप जब भी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे बोलेंगे कि ये सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोगों की वो बात ज़रूर मानूंगा, क्योंकि बदले में आप फीस के तौर पर मुझे एक लाइक बटन ही देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कीजिए, हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अकाउंटेंसी की, ये मुझसे सऊदी अरब से स्पेशली किसी बच्चे ने मांगा है। तो मैंने एक अकेले बच्चे के लिए ये वीडियो तैयार की है, तो वो बच्चा तो फ़िलहाल ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है,
लेखांकन एवं पुस्तपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, डिफरेंस बताना है पुस्तपालन में और लेखांकन में, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये रहा इसका आंसर। मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आंसर अच्छे से दिख जाए। अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा, लिख लीजिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको अक्षर साफ नज़र नहीं आ रहे तो आप वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव कर लें। आपका हो सकता है नेट स्लो चल रहा हो या वीडियो जो क्वालिटी है वो आपने निम्न स्तर की कर रखी होगी, लो लेवल की कर रखी होगी, तो उसको ठीक कर लें। आंसर उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे और जूम करके फिर आप उतार सकते हैं। फाइल TMA फाइल आपको कैसे बनानी है, कितनी डेकोरेट करनी है, किस तरीके से, सारी चीज़ें हमने वीडियो के माध्यम से बता रखा है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो है सर्च कर सकते हैं कि TMA फाइल कैसे तैयार करनी है, तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी, मिल जाएगी और आप उसको देखकर अपना TMA फाइल तैयार कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है TMA रिसिप्ट का, उसको आप डाउनलोड करके उस पर आप इसका जो है सारा इंफॉर्मेशन डाल के, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डाल के, पेपर कोड, सब्जेक्ट, सेंटर नंबर और उसके बाद उस पर अपने टीचर के साइन करवा लें। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंच गए हैं, उतार लीजिए। व्यावसायिक लेन देन से क्या तात्पर्य है, व्यावसायिक लेन देन के दो उदाहरण दीजिए। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और प्लीज़ पिछले साल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा जो अप्रैल वाले बच्चों को मैंने बताया था, क्योंकि वही क्वेश्चन अक्टूबर वाले बच्चों के लिए भी है, कोई नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप उनको पढ़कर आसानी से बहुत इजी तरीके से पास हो जाएंगे। और मैंने सभी टॉपिक्स पे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसे भी आप लोगों को अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करना है, नोटबुक के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये था और इस तरीके से ये होता है पूरा, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। अगर अगर आपको वीडियो में किसी तरह की और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नीचे मैंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, उस पर आप अगर डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करके भी अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।